नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपियों को सीबीआई की एक विशेष अदालत में चारा घोटाले के मामले में आज सुनवाई होनी है। लंबे इंतजार के बाद 1950 करोड़ के चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में जहां 170 आरोपी थे, वहीं ट्रायल के दौरान 55 आरोपी की मौत हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर की थी और 2005 में चार्ज फ्रेम किया था। कोरोना काल के दौरान इस मामले में फैसला आने में देर हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने के लिए लालू रांची पहुंच गए हैं और उनमें से एकमात्र मामला है जिनमें फैसला आना बाकी है। अब तक लालू प्रसाद को 4 मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और जहां चाईबासा कोषागार के 2 अलग अलग मामलों में उन्हें 7-7 साल की सजा हो चुकी है, वहीं दुमका कोषागार के मामले में 5 साल, देवघर कोषागार के मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव 3.5 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में गुजार चुके हैं। तो अब तक की बड़ी खबर जो है वो है कि आज लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेशी होनी है चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े गबन यानी डोरंडा कोषागार मामले को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर में जो फैसला आता है वो लालू के पक्ष में आता है या फिर कैसा फैसला आता है, और इस पे पूरे देश की आज निगाहें इस फैसले पे कहे तो टिकी हुई है। पटना से लालू परिवार और साथ ही लालू के समर्थक, आरजेडी के समर्थक, तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें आज के इस फैसले पे टिकी हुई है। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, आज जो सबसे अंतिम कोषागार मामले में, चारा घोटाला मामले का जो है डोरंडा कोषागार मामले में, उसमें आज लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों पे सुनवाई होनी है, क्या कुछ है अभी पूरा मामला, क्या फैसला लालू के पक्ष में आएगा? देखिए, ये कहना बेहद मुश्किल है कि सीबीआई के विशेष जज के द्वारा क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो 99 आरोपी हैं लालू समेत डरे समेत जरूर हैं। और लालू, चूंकि आपको पता है लालू एक जीवट व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लिहाजा उनका राजनीतिक आदम जो पहचान है वो बहुत बड़ा है। लिहाजा वो अपने चेहरे से इस बात को जाहिर नहीं होने देते कि वो इस सुनवाई से डरे सहमे हैं या उनका कोई टेंशन या उनकी कोई तकलीफ उनको है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके जानने वाले हैं इस बात को कहते हैं कि लालू प्रसाद की सेहत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, लिहाजा कोर्ट उनके साथ मर्सी जरूर करेगा। लेकिन ये अब से कुछ घंटों के बाद इस बात की स्पष्टता जरूर मिल जाएगी कि सीबीआई कोर्ट आखिर लालू समेत अन्य आरोपियों के बारे में क्या कुछ फैसला करता है। आपको जैसे पहले भी पता है कि ऐसे ही 4 मामलों में लालू प्रसाद को जेल हो चुकी है, सजा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर हैं, हेल्थ के ग्राउंड पर, फिजिकल जो उनका सेहत की रहा है उसके ग्राउंड पर। तो उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में भी लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं मर्सी मिल सकती है, लेकिन इस पर अभी बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करके कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी सुपुत्री मीसा भारती या फिर अन्य जो बड़े नेता रांची पहुंच चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश है कि अंतिम क्षणों में जब सुनवाई होगी तो उस टाइम लालू के परिवार के लोग और उनके जो राइट हैंड हैं, भोला यादव हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, श्याम रजक साहब हो, तमाम लोग आए हुए हैं और तमाम उनको उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ बड़े ही नेता नहीं बल्कि तमाम जो जिलों से छोटे कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो भी लालू के साथ कहीं ना कहीं अपनी मजबूती जता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो उनको कहीं ना कहीं इस पर न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगी। लिहाजा थोड़ी देर के इंतजार के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तमाम पूरे देश के मीडिया की निगाहें आज की सुनवाई में टिकी हुई है। इसी वजह से जो बड़ी मीडिया की फौज है वो न सिर्फ
सीबीआई कोर्ट में, बल्कि आप रिम्स के पेइंग वार्ड के पास भी नजर आएगा, यहाँ तक कि होटवार्ड जेल के पास भी नजर आएगा। आपको पता है कि पिछले दिनों जब लालू प्रसाद को जेल हुई थी तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको पेइंग वार्ड, रिम्स के पेइंग वार्ड में रखकर उनका इलाज किया गया था। लंबे समय तक उनका इलाज चला था और प्रत्येक शनिवार को उनसे तीन व्यक्ति मिलने के लिए आते थे। उसी दौरान थोड़ी सी झलक मीडिया कर्मियों को लालू प्रसाद की मिलती थी, लेकिन बाद में क्या कुछ होता था कुछ पता नहीं चल पाता था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि अगर लालू प्रसाद की सेहत खराब होती है या उनको इलाज की जरूरत पड़ती है तो रिम्स में तमाम इंतजाम किए गए हैं और पेइंग वार्ड की तस्वीर भी तमाम लोगों की नजरों के सामने है कि किस तरह लालू प्रसाद वहां लंबे समय से गुजार रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लालू प्रसाद के सेवादार हैं मोहम्मद इरफान के हैं या फिर सुरेंद्र यादव के हैं, अन्य लोग जो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। और कल जिस तरह से लालू प्रसाद रांची का अतिथिशाला बिल्कुल देसी अंदाज में दिखे, सामने में अंगीठी रखी हुई थी और वो बिल्कुल चेयर पर बैठकर शॉल ओढ़ करके खुले पाँव के साथ आज की तपिश का गर्माहट ले रहे थे। तो ये बताता है कि लालू प्रसाद हैं और उनकी अपनी शिनाख्त और पहचान है, लेकिन चूंकि ये कानूनी मामला है लिहाजा इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा कि कोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपियों को सीबीआई के एक विशेष अदालत में चारा घोटाले के एक मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद 950 करोड़ के चारा घोटाले के सबसे बड़े यानी डोरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ के गबन के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस फैसले पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।